शास्त्र में आता है तस्मात् नामानि कौन्तेय दृढ़ मानसः नाम युक्तः प्रियो अयम्। हे कौन्तेय, दृढ़ चित्त से नाम भजन करो, नाम युक्त व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है। हे अर्जुन, तुम नाम संयुक्त होकर कर्म करो। कर्म तो करो, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए कर्म करो। भगवान नाम जप करके दिन का आरंभ करो। भगवान नाम जप करते हुए भोजन का आरंभ करो। भगवान नाम जप करते हुए शयन का आरंभ करो। भगवान नाम जप करते हुए आपका बही खाते का आरंभ करो। पहले के जमाने में लोग कुछ भी लिखते थे ना, या कुछ भी व्यवहार करते, पहले लिखते श्री राम। जैसे अभी व्यापारी लिखते ना बही खाते में गणेश आय नमः, अथवा सिख लिखे सत श्री अकाल जय राम जी की। तो ऐसे कोई भी काम करो तो भगवान का नाम आगे रख के करो। पहले के जमाने में श्री राम पर बहुत लोगों का व्यवहार चलता था। जो भी काम करे श्री राम लिखे, खत भी लिखे तो ऊपर श्री राम लिखे। एक बार अकबर ने सभा बुलाई, उस सभा में हिंदुओं के अगवे भी आए थे, मुसलमान भी थे। अकबर ने पूछा कि भाई मेरा राज्य कैसा है, कौन बोलेगा बुरा है, कौन बोलेगा बुरा है राजा के सामने, कौन बोलेगा कि तुम्हारा राज्य बुरा है महापौर। बोले जहां पर ना अच्छा राज है। बोले मेरे राज्य में मुसलमान खुश होने। बोले जहां पर ना खूब खुश है। हिंदू अगुओं से पूछा कैसे, तुम भी खुश होने मेरे राज्य से, तुम परेशान तो नहीं हो। बोले नहीं नहीं जहां पर ना हम परेशान कैसे होंगे, आप आपको लंबी आयुष्य दे भगवान, आप दीर्घ जीवी रहे, आपके राज्य में हम परेशान क्यों रहेंगे। बोले तो मेरा राज्य अच्छा है, हिंदू भी सुखी है मुसलमान भी सुखी है। बोले हाँ पर जहाँ पर ना। तो बोले मेरा राज्य राम राज्य जैसा ही हुआ। चाटुकारों ने कहा जी जहाँ पर ना। अकबर बोला जब मेरा राज्य राम राज्य जैसा है तो आप खतों पर लिखते श्री राम, आज से श्री राम लिखना बंद कर दीजिए। जब भी लिखें तो श्री अकबर लिख दिया करिए। जय राम जी की। जो भी कुछ लिखें भाई खातों में इधर उधर, या खत एक दूसरे को, जैसे किसी से मिले तो श्री राम करके मिलते, अब श्री अकबर करके मिलिए। ये शाही फरमान है। अब वहां तो राजा के सामने तो चुप्पी, लेकिन करे तो क्या करे। श्री राम की जगह पर अब श्री अकबर लिखे। हिंदू बड़े परेशान हुए कि अब हम तो फंस गए। गए बीरबल के पास। बीरबल ने कहा फिक्र न करो, मैं अभी अभी ठीक कर देता हूं, चलो मेरे साथ। बीरबल ने कहा जहां पना ये हिंदू सारे के सारे हिंदू अपना कोई भी काम करते तो श्री राम लिखते। आपने फरमान जारी किया है कि अब श्री राम की जगह पे श्री अकबर लिखा जाए। ये श्री अकबर लिखने को भी राजी है, तैयार है, लेकिन एक शर्त है। बोले बताओ। बोले श्री राम लिखकर पत्थर समुद्र में फेंकने से पत्थर तर गया था, पुलिया बन गई थी। ऐसे श्री अकबर लिखवाकर आप पत्थर फेंकवा दो, और श्री अकबर के नाम से अगर पत्थर तर गए तो फिर श्री अकबर लिखना चालू कर देंगे हम लोग। जय राम जी की। बीरबल ने बोला फिलहाल कायदा कैंसल करो, फिलहाल कानून बंद रखते। ऐसे बीरबल ने एक बार अकबर को कहा कि जहां पना आपको कब्ज की शिकायत हो गई है। बोले नहीं तो। बोले हाँ हाँ, बात ऐसी थी कि राणा प्रताप इतने देशभक्त और इतने निष्ठावान के अकबर के आगे सिर नहीं झुका सकते थे, अकबर की चाटुकारी नहीं कर सकते थे, अकबर की हां में हां करने वाले वो योद्धा नहीं थे। उन्होंने खूब खूब जब प्रयत्न किया और प्रलोभन भी दिए, न प्रलोभन से न ताड़न से,
राणा प्रताप झुके नहीं। राणा प्रताप ने नींद हराम कर दी थी अकबर की। अकबर को नीचा दिखाना, राणा प्रताप को नीचा दिखाने में अकबर जो भी षड्यंत्र करता सब में विफल होता। गुस्से गुस्से में अकबर ने क्या करा कि महाराणा प्रताप का चित्र अपने पायखाने में रख दिया। नीचा नहीं दिखा सके बाहर से कम पायखाने में उनका चित्र रख दो। जब पायखाने में चित्र रख दिया गया तो दूसरे मंत्रियों के द्वारा बीरबल को पता चला कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धे का चित्र पायखाने में पड़ा है। बीरबल ने कहा ठीक है आइडिया लगाओ। अकबर से पूछा कि आपको कब्जियत की शिकायत तो नहीं हो गई? बोले नहीं, बोले हो गई महाराज, क्योंकि आप राणा प्रताप से डरते और उसका आपने चित्र रखा है तभी आपको पायखाना साफ आता है, आपने पायखाने में उनका चित्र रखा है। अकबर ने निकाल दिया। जैसे चित्र के प्रभाव से अकबर को असर हो जाती है, ऐसे भगवान के नाम के प्रभाव से तुम्हारे मन को असर हो जाएगी। जो पाप में ताप में ईर्ष्या में द्वेष में मेरे में तेरे में तुम्हारा मन तुम्हें घसीट ले जा रहा है, भगवान का नाम साथ में जोड़ दो, तुम्हारे मन में दिव्य गुण आने लगेंगे और दिव्य गुण आने से तुम्हारे दिव्य कर्म होने लगेंगे। प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में दिव्य संस्कार भरने चाहिए। टाइम नहीं मिले तभी भी, टाइम नहीं मिलता तभी भी आप भोजन के लिए समय निकाल लेते, टाइम नहीं मिलता पानी पीने के लिए समय निकाल लेते, टाइम नहीं मिलता है तो शयन के लिए समय निकाल लेते, टाइम नहीं मिलता तभी भी कपड़ा बदलने को समय निकाल देते। ऐसे ही आप विचार बदलने को समय निकालिए। जो दुख के विचार हैं, घृणा के विचार हैं, चिंता के विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, भय के विचार हैं, उनको उखाड़िए। दुख के विचार को निकालने के लिए सुख के विचार भरिए। मेरा सुख स्वरूप मेरा रब मेरे साथ है। बाहर सिगरेट से क्या सुख लूंगा, शराब से क्या सुख लूंगा, कचरे पट्टी से क्या सुख लूंगा, सुख मेरे आत्मा में परमात्मा में हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चिंता के विचार आए तो मैं निश्चिंत हूं, चिंता क्यों करूं, चिंतन करूंगा, चिंता नहीं। बीमारी के विचार आए तो आरोग्यता के विचार भरिए। काम विकार के विचार आए तो राम के विचार भरिए। जिन विचारों से तुम्हारा पतन होता है उन विचारों को हटाकर जिन विचारों से तुम्हारा उत्थान होता है वो अपने दिल दिमाग में भरिए। उन दिव्य विचारों से आपका जीवन दिव्य होने लगेगा। ऐसा धरती पे कोई आदमी नहीं कि एकाएक महापुरुष हो गया हो। ऐसी धरती पे कोई माई नहीं कि एक दिन में महान आत्मा बन गई हो। शबरी भीलन को देखो चाहे मदालसा महारानी को देखो, मीरा को देखो या गार्गी को देखो, स्वयं प्रभा को देखो या सुलभा को देखो, अच्छे विचार भरते गए, हल्के विचार हटाते गए। सीता को खोज कर आओ, एक महीने के अंदर मेरे पास रिपोर्ट ले आओ। 22 दिन हो गए, 23वां दिन बीत रहा है, भूख और प्यास ने सताया, सीता जी तो नहीं मिल रही। खोजते खोजते भूख प्यास ने ऐसा सताया कि व्याकुल हो गए। पानी दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ पर चढ़े हनुमान, दूर दूर नजर घुमाई, हाथ की चजली बनाकर देखा कि कहीं वृक्षों के इर्द गिर्द पक्षियों का अनजान है, चलो वहां पानी होगा। बुद्धिमान हनुमान, अंगत, जामवंत और साथी चलते चलते मीलों की यात्रा करते उस हरे भरे इलाके में आए। सन्नाटा था, कुछ हरे भरे वृक्ष थे, एक आश्रम था। देखा कि एक योगिनी ध्यान कर रही है। योगिनी ने आंख खोली और तुरंत कहती है, वो योगिनी कहती है कि तुम हनुमान हो क्या, तुम रामदूत हनुमान सीता को खोजने के लिए निकले हो, थके प्यासे हो, पानी पीने के लिए आए हो। हनुमान जी टकुर टकुर देखने लगे हाथ जोड़कर। जामुंद भी देखने लगा, अंगद भी एक टक देखने लगा कि ये लड़की एकांत जंगल में रहती और हमारे मन की बात फटाफट कहे जा रही। देवी तुम कौन हो? देवी ने कहा मैं कौन हूं फिर बताऊंगी, तुम फल खा लो पानी पीकर आ जाओ।
फल खा लिया, पानी पी के आए, बोले मैं स्वयं प्रभाव, उधारी प्रभा नहीं, स्व की प्रभा, अंतर आत्मा की प्रभा जगाने वाली में से हूं। अंगद, तुम सीता को खोज रहे हो, आंखें खोलकर खोज रहे हो क्या? अंगद ने कहा कि हाँ, तो हम कोई आंखें बंद करके थोड़े खोजेंगे, आंखें खोल खोल के हम तो खोज रहे, लेकिन सीता जी नहीं मिल रही। स्वयं प्रभा ने कहा कि सीता क्या है तुम नहीं समझते हो, सीता राम की आह्लादनी शक्ति है अंगद, सीता वो ब्रह्म विद्या है। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दीदार के लिए बंद करते हैं आंखें। सीता का दीदार करना है तो आंखें बंद करके करो, भक्ति को पाना है, सीता को खोजना है तो आंखें बंद करनी पड़ेगी। अंगद, मैं तुम्हें बता देती हूं सीता कहां है। स्वयं प्रभा ने जरा सा गोता मारा, आंखें बंद किया, फटाक से जान लिया। बोले इधर उधर बयाबान में क्या खोज रहे हो, लंका पार सीता अशोक वाटिका में बैठी, त्रिजटा उसकी सेवा में है, है तो रावण की दासी लेकिन सीता के प्रभाव में आकर उनकी सेवा कर रही। हनुमान दंग रह गए कि देवी ये तुमने कैसे जाना। बोले गुरु ने मेरे को दीक्षा दी थी और मैं जप करते करते ध्यानस्थ हुई और गुरु ने कहा कि उसी दिन तेरी साधना पूरी हो जाएगी जब सीता को खोजते खोजते हनुमान भूखे प्यासे तुम्हारे आश्रम में आएंगे, जलपान लेंगे, उसी दिन तुम्हारी साधना पूरी हो गई, ये समझ लेना। अब दरिया पार कैसे जाएंगे, दरिया के किनारे जाते जाते हमको 15 दिन लग जाएंगे। स्वयं प्रभा बोलती डरो मत, मैं तुमको मदद करती हूँ। हनुमान तुम आंखें बंद करो, जामवंत, अंगद और उनके सहायक सब आंखें बंद करो, मैं अपने योग बल से चुटकी देर में ही तुम्हें समुद्र किनारे पहुंचा देती हूँ। सब ने आंखें बंद की और स्वयं प्रभा ने अपनी योग शक्ति का उपयोग करते हुए संकल्प फेंका। रामायण में लिखा है ठांडे सकल सिंधु के तीरा, आंखें बंद किया उस बयाबान में सैकड़ों माइल दूर और आंख खुली चुटकी देर में समुद्र किनारे खड़े, ठांडे सकल सिंधु के तीरा। रामायण काल में तो ऐसा हुआ लेकिन अभी भी कभी कभार ऐसा सुना जाता है। बद्री का आश्रम के तरफ जाते जाते रास्ते में पिप्पल कोटी आती जोशीमठ के इर्द गिर्द, पिप्पल कोटी से उत्तर के तरफ नहीं पूर्व के तरफ पैदल ही पैदल एक साधु चला जोगियों का खोज करने के लिए। एक खास पर्वत में छुपी गुफा में जोगी रहते हैं, बहुत मुश्किल से वहां पहुंच ही गया। एक ब्रह्मचारी वहां के थे, ले गए बड़ा चट्टान, चार आदमी हटा सके ऐसी चट्टान ब्रह्मचारी ने हटाई और अंदर उतरे। देखा तो जोगी लोग ध्यानस्थ, बोले लो ये जोगियों के दर्शन हो गए अब जाओ। बोले मैं यहाँ रहूँगा। बोले यहाँ नहीं रहने देंगे तुमको, अगर रहोगे तो यहाँ ऐसी शक्ति है कि तुमको उठाकर वहीं पहुँचा देगी जहाँ से तुम चले थे। युवक ने सोचा चलते चलते तो 6 महीने हो गए ऋषिकेश से चल के आया यात्रा करते करते, अगर वहीं पहुँचा देंगे तो भी किराया बचेगा, मेहनत बचेगी, रहने दिया तो ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, आप भले जाओ। ब्रह्मचारी चला गया, गे भी आवाज आया, बड़े बड़े मोटा विशाल शरीर था, समाधि में बैठे पुरुष थे। ब्रह्मचारी से पूछा कि ये कब के हैं, बोले कोई 2000 वर्ष है, कोई 5000 वर्ष पहले के, कोई सतयुग के समय के, यहाँ सब लोग नहीं आ पाते, अब तुम चलो नहीं तो यहाँ की शक्ति तुमको फेंक देगी वहीं। बोले कोई बात नहीं। इतने में आवाज आया कि कलयुग का आदमी इधर कैसे आ गया, महाराज दर्शन करने को जाओ। गए नहीं, ब्रह्मचारी चले गए। अब उस पुरुष ने देखा कि अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है, सजाग रहे, कौन सी शक्ति उठा के ले जाती है देखो। देखते 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 झोंका आया, झोंका आया तो पीपल कोटी के आगे की गुफा में से आंख खुली तो ऋषिकेश की फुटपाथ पे बैठे जयराम जी की। ऐसे ही जूनागढ़ में गिरनार है, वहां भी कभी कभार
कोई ऐसा पुरुष मिल जाता है, दिव्य गुफाओं में चले जाते और फिर दिव्य गुफा में से रहने की आदत का, बोले जाओ नहीं महाराज रहने दो, जो काया तो बाहर पहुंच गए। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है, बहुत सारी सृष्टियां ऐसे गुप्त भी हैं। जैसे तुम इस दुनिया में रहते हो, इस दुनिया में रहते हो भी नई दुनिया सपने की तुम देख लेते हो, सोए हो पलंग पे रायपुर के पलंग पे और सपना दिख रहा है कि मैं अमृतसर पहुंचा हूं, सच्ची दरबार की जय, बन जाता है कि नहीं बन जाता है? सोए हैं रायपुर के पलंग में और हरिद्वार में नहा रहे हैं, अगर गंगा जी में पलंग जाता तो बह जाता और गंगा जी पलंग पे आती तो भी डूब जाता, लेकिन तुमने सपने में गंगा जी भी बना दी, पलंग भी बना दिया, पंडे भी बना दिए और प्रसादी भी बना दी, तो तुम्हारे आत्मा में दिव्य शक्तियां हैं। खाली पेट भरकर जिंदगी खराब करने के लिए तुम्हारी जिंदगी नहीं है, उस दिव्य शक्तियों का अंश जगाकर अपने दिव्य आत्मा को पहचान कर परमात्मा को पाकर अपना कल्याण कर ले और कुटुंब का भला कर ले। रियो हाथों की उंगली मिलाकर गोद में रखें और उच्चारण करें जिससे जीवनी शक्ति का विकास हो, बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आए। आमने सामने हाथ की उंगली मिला देंगे, गहरा श्वास लेंगे। रियो
जय जय। निवारक सब सुख कारक हरि मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि जो कोई गाए शक्ति पाए हरि जो कोई गाए भक्ति पाए हरि जो कोई गाए मुक्ति पाए मेवाड़ में मीरा गाए ओम रायपुर में गुंजाना ओम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम कली कक्की नहरा नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम जय हो।
सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम हरि हरि ओ हरि ओ से बोलो प्यारा नाम हरि ओम दिल से बोलो दुलारा नाम ओम काली का किनारा नाम ओम पाप का विनाशक नाम ओम मंगल मंगल नाम ओम आनंद आनंद की उंगलियां मिला दे। कीर्तन के बाद एक आध मिनट ही सही भगवान के ध्यान में शांत हो जाए। मधुर शांति, गहरी शांति, तुम्हारी रग रग परमात्मा के कीर्तन से जब से पावन हुई, मन को उनमें शांत होने दो। परमात्मा शांति में